और जयपुर में हुए 13 मई 2008 बम ब्लास्ट मामले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की याद में सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर में दुग्ध अभिषेक कार्यक्रम कर उनको याद किया गया और साथ ही जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हनुमान जी महाराज के विशेष रूप से दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। 2008 में 13 मई को बम विस्फोट हुआ था, उसके मृतकों की श्रद्धांजलि देने के लिए आज विशेष हनुमान जी महाराज के दुग्धाभिषेक का स्नान कराया जा रहा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि रात को 12 बजे तक ये दुग्धाभिषेक का प्रोग्राम चलेगा, आएँ और भगवान के दुग्ध अर्पित करें। धन्यवाद। यहाँ सांगानेरी हनुमान जी के मंदिर में 13 मई 2008 को जो विस्फोटक में ख़त्म हुए थे उन लोगों की दिवंगत आत्मा के लिए, शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुग्धाभिषेक करवाया जा रहा है। और यहाँ आके हमें बड़ी आत्मिक शांति प्राप्त हो रही है कि उन सभी, मैं भी ये प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करें और हमारे देश में ऐसी दुर्घटना फिर से कभी ना हो। जब ये बम विस्फोट हुआ था उसके आत्म शांति के लिए ये किया जा रहा है। और जब बम विस्फोट हुआ था उस टाइम मैं यहीं थी, वो घटना देखने में ठहरा गए थे हम सब लोग। तो अभी उसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है, 1100 किलो दूध का अभिषेक किया जा रहा है।